ओके थैंक यू फॉर टेलिंग मी. आप वॉइस सही है, वॉइस सही है, जल्दी बताओ आवाज आ रही है, आप सुन सकते हैं मुझे? अरे अब तो बता दो, अभी भी नो वॉइस है, अभी कैसे नो वॉइस है यार, अभी तो हो गई सही. ओके 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 गॉट इट गॉट इट. ओके सो आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं. ये चैप्टर 3 दिन में खत्म कर दूंगी, तो इस वीक ये चैप्टर खत्म. तो रेगुलर रहिएगा, स्टिक टू द चैप्टर, क्योंकि क्वेश्चन पिन पॉइंट करके आते हैं, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और साथ साथ PYQ भी हर कॉन्सेप्ट के पास आपको लगवाऊंगी. ठीक है चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, ये दोनों काम तो पहले करना है, और अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम योर नीट बायो एडुकेटर. बहुत सारे बच्चों को मेंटोर किया है मैंने, जो कि अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में अपना मेडिकल प्रोफेशन परस्यू कर रहे हैं. मैं खुद भी नीट रैंक कर रही हूँ, आई एम ए डॉक्टर, एंड ऑल्सो आपकी जर्नी कुछ मेरी जर्नी की तरह रही है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दीज स्मॉल स्मॉल आपके रोड ब्लॉक्स जो आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीज़ें तो मैं दूर करूंगी. बाकी कंटेंट की चिंता तो बिल्कुल आपको नहीं करनी है, उसके लिए मैम इज ऑलवेज अवेलेबल. ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करना है. लेट्स क्रैक नीट यूजी का ही अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं, सारे सेशन के बारे में पता चल जाता है, कोई न्यूज आती है वो भी पता चलता है, कोई ऑफर आता है तो वो भी पता चल जाता है. इसके अलावा अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैम को ढूंढ लो, मैम इज ऑलवेज देयर. ओके चलिए तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात करें, यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हम पूरी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों को कंबाइन करने वाले हैं. क्लियर है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, इज इट द सेम थिंग? पहले ये बताओ मुझे, इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन द सेम थिंग? टेल मी फास्ट. अभी भी बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है, मैम ब्रीदिंग को ही तो रेस्पिरेशन कहते हैं. गुड मॉर्निंग शिखा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. हाय चंदन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. जिसको मैं नहीं बोली उसको भी गुड मॉर्निंग. यस जल्दी बताओ, इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन द सेम थिंग? नो मैम, अरुणेश कह रहे हैं नहीं मैम, बिल्कुल सही बात है, इट्स नॉट द सेम थिंग. ब्रीदिंग जो है आपके रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, ठीक है, यू कैन से इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेशन, जिससे आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है. उसके इनिशियल आपके जो फेज होते हैं उसको ब्रीदिंग में इन्वॉल्व किया जाता है. ठीक है, बिल्कुल पढ़ सकते हो SKG. तो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोसफेयर एंड CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं. सिंपल शब्दों में अगर इसको रखा जाए, जो सांस हम ले रहे हैं और जो सांस हम छोड़ रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है, वही हम ब्रीदिंग है. सांस लेना ब्रीदिंग है, सिंपल. सांस लेना क्या है? ब्रीदिंग है. बट रेस्पिरेशन डेप्थ में, ठीक है. जब हम वो ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है और कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है भाई? तो ये ऑक्सीजन जाती है आपके टिश्यू में. अब टिश्यू में कैसे जा रही है? टिश्यू में इसको लेके जा रहा है ब्लड कैपिलरीज, वहां पे लोड होती है और वहां से हीमोग्लोबिन में कंबाइन करके हमारे सेल तक पहुंचती है. सेल के अंदर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, और उस सेलुलर रेस्पिरेशन के कारण आपका एनर्जी प्रोडक्शन होता है, और उसके एंड प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि वापस ब्लड लेके हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक आती है और वापस हम उसको बाहर छोड़ देते हैं. यही पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन. देखने में लग रहा होगा नटशेल में हम इतना सा, बस इतनी सी चीजें भाई, इतनी सी चीजें में बहुत सारे प्रोसेस भी हैं, इतना इजी नहीं है एनर्जी प्रोड्यूस करना. पूरा भयंकर सिस्टम बनाया हुआ है, मशीनरी बनाई है हमारे अंदर. चलो तो ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज करता है ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज. अब याद करो, हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अभी पढ़ा है, ठीक है, कल ही खत्म हुआ है. उसमें हमने एंड प्रोडक्ट देखा है, क्या एंड में ग्लूकोज ही बनना है सबसे ज्यादा, उसी का यूज होता है. कैसे? यहाँ पे एक्चुअली जो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, वहां पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोडक्ट और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो चीजें आ रही हैं, वो चीजों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, और उसी कॉम्बिनेशन से
एटीपी प्रोडक्शन होता है, यानी कि ग्लूकोज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलता है, आपके एसिमिलेशन से वहां सेल तक आता है, और वहीं पे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन आता है आपके सेल तक, और ये दोनों मिलके आपका एनर्जी का प्रोडक्शन कराते हैं, एयरोबिक रेस्पिरेशन कराते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, जिससे एनर्जी डिराइव होती है। और ये एनर्जी का हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी ही नहीं चलेगी अगर एनर्जी नहीं हो, ठीक है, अगर बॉडी में ताकत नहीं है तो क्या बॉडी एक्टिविटी कर पाएगी, आप खड़े भी नहीं हो पाओगे। जब आप बीमार पड़ जाते हो, बहुत डाउन लगता है, क्या कहते हो यार बहुत लो लग रहा है मम्मी, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा है, लग ही नहीं रहा खड़ा हो पाऊंगा, ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो गई है, शुगर लेवल एकदम डाउन हो गया है, और शुगर लेवल डाउन है, ठीक है, भले ही आप सांस ले रहे हैं लेकिन शुगर लेवल डाउन है तो एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होगी, राइट, तो यही काम आपका रेस्पिरेशन कर रहा है, इसी के कैटाबॉलिक एक्टिविटी से CO2 रिलीज होता है जो कि हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, ठीक। चलो अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में मेजर एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, ये क्या है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन है, एक्सहेलेशन ऑफ आपके कार्बन डाइऑक्साइड है बाय द हेल्प ऑफ लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके, प्रोसेस वेयर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, कहां क्या हो रहा है, यहां पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, मतलब लेना सांस और सांस छोड़ देना, लेकिन ये क्या है, एनर्जी इज प्रोड्यूस, यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे, ग्लूकोज की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, किस, क्या और ऐड करके, आपके यही ऑक्सीजन को ऐड करके जो कि ब्रीदिंग से अंदर आया है, जिसकी वजह से ये एनर्जी आपके डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज में मदद कर रही है, और इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस होता है, बिल्कुल यही होता है, शिव कुमार उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की यही बात करेंगे। ब्रीदिंग टेक्स प्लेस इन लंग्स, ब्रीदिंग लंग्स में होती है, रेस्पिरेशन आपके सेल्स के अंदर होता है, यहाँ पे कोई एनर्जी प्रोडक्शन नहीं, यहाँ पे बहुत सारा एटीपी प्रोडक्शन होता है। ब्रीदिंग अकर्स आउटसाइड द सेल, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेशन सेल के अंदर हो रहा है, तो इट इज इंट्रा सेलुलर प्रोसेस, इज इट क्लियर, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में आप तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे ना, जल्दी बताओ, जितना भी छोटा मोटा डाउट था सब क्लियर, गुड इवनिंग उत्कर्ष, गुड इवनिंग एवरीवन, और जल्दी से शेयर कर दो सेशन, ठीक है, क्या हो गया है, सेशन को फटाफट से लाइक और शेयर करो फटाफट से। चलो अब देखो, ये ब्रीदिंग है और यहाँ पे नीचे रेस्पिरेशन दिखा रहा है, ठीक है, ब्रीदिंग में क्या है, आपका लंग्स ले रहा ऑक्सीजन और CO2 निकाल रहा है, यहां तक जो प्रोसेस हो रहा है ये ब्रीदिंग का पार्ट बनता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, अब आपका जो आर्टरी है वो ऑक्सीजन ले गया, कहां तक, ये सेल है, सेल तक ले गया, और सेल में आपके हुए सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से, जिसका एंड प्रोडक्ट निकला कार्बन डाइऑक्साइड और ATP, ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से आपके वेन्स में जाएगा, सेल से निकल के और वापस से लंग में पहुंचेगा, जो कि एक्सपायर हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस, तो ये होता है, ठीक है, ठीक है। चलो अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है हमारे अंदर, चलो नेम रेस्पिरेटरी ऑर्गन, आप लोग को क्या क्या पता जल्दी बताओ, वॉट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन यू नो, कनिष्का हम आपसे एंड में बात करेंगे बेटा, आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगी, बस ये सेशन के एंड की तरफ, ठीक है। जल्दी बताओ, विच ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन यू नो, लंग्स, बिल्कुल सही बात है, और ट्रैक्ट के क्या क्या, आपके ट्रैक्ट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, ब्रोंकियोल, ब्रोंक, चलो ठीक है, चलो वेरी गुड, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे पास लंग्स है, हमारे पास लंग्स है, ठीक है, और बाकी ऑर्गेनिज्म, किसी के पास स्किन है, किसी के पास स्पिरेकल्स है, किसी के पास गिल्स है, किसी के पास लंग्स है, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास लंग्स है, ठीक है, बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास कोई ना कोई तरीका जरूर होगा जिससे वो रेस्पिरेशन कर पाए, क्योंकि उनको भी आपके बॉडी के अंदर एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, तो इनको सांस लेना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, राइट। तो अगर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की बात करें, यानी स्किन से रेस्पिरेशन, क्यूटिन क्या होता है, स्किन की लेयर को कहते हैं, स्किन से कुछ ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेट करते हैं, जैसे कि पॉरीफेरेंस जो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म्स हैं, सिलेंटरेट्स, फ्लैट वॉर्म्स,
ठीक है, अर्थवर्म, एम्फीबियन जैसे फ्रॉग, फ्रॉग को कभी आपने देखा होगा एक जगह बैठे बैठे, जब वो सांस लेता था तो उसकी पूरी स्किन ऐसे ऐसे हिलती रहती है, क्यों? क्योंकि उसकी स्किन एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद कर रही है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैस में मदद कर रही होती है, रेस्पिरेशन में मदद कर रही होती है, ठीक है। फ्रॉग में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है, समझो बात को, भी होता है, ही नहीं होता है, भी होता है, अंतर है दोनों बात, एक और तरीका है जब उसको एक्स्ट्रा स्वेट आउट करना है चीजें, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत है। यस, वेरी गुड, ठीक है। तो आपके किस में हो रहा है सबसे ज्यादा? पॉरिफेरेंस में हो रहा है, सिलेंट्रेट्स में हो रहा है, प्लेटफॉर्म्स में हो रहा है, अर्थवॉर्म में हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा फ्रॉग के अंदर भी मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेकियल। ऐश्वर्या बेटा एक बात बताओ, रेस्पिरेटरी सिस्टम और फूड फूड सिस्टम सेम है, ठीक है? अगर आपको लगता है सेम है, ठीक है, तो अभी आप चैप्टर पूरा आगे सुनते जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछिए, जितना पढ़ाया जा रहा है पहले वो सुन लीजिए। आप पहले नंबर वन नंबर टू मत करिए, नंबर टेन पे कूद जाइए, फिर एग्जाम भी आपको नंबर टेन पे ही कूदाएगा सीधे, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। ट्रेकिया किससे करती है? स्पिरेकल से करती है। कैसे करती है? स्पिरेकल से करती है। आर्थ्रोपोड जैसे कॉकरोच के अंदर स्पिरेकल्स होते हैं जो कि आपके रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। कॉकरोच का एनाटॉमी अगर आपने पढ़ा होगा, बहुत लोग के सिलेबस में है, बहुत के नहीं है, ठीक है। तो कॉकरोच में स्पिरेकल्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन करवाते हैं। ब्रेन के ब्रेकियल रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। ज्यादातर फिश का नाम जब आपने सुना है तो फिश में गिल्स होता है जो कि आपके हिलता रहता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है। इट एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, चिपक जाती है बाहर निकालते ही, ये गिल्स पानी में ही खुली रहती है। जैसे ही बाहर निकालते हैं पानी से, क्यों फिश सांस नहीं ले सकती? क्योंकि पानी के अंदर ये गिल्स अपने आप में एक गैप बनाई रहती है जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है। जैसे ही उन्हें बाहर निकालते हैं उनका गिल चिपक जाता है बिना पानी के, ठीक है, एक दूसरे से चिपक जाता है जिससे वो सांस नहीं ले पाते, एंड दे डाई, ओके, एंड दे डाई, ठीक। तो जैसे कि आर्थ्रोपोड्स में भी कुछ आर्थ्रोपोड हैं, मोलस्क में और फिशेस के अंदर गिल्स देखे जाते हैं। वहीं अगर हम अपनी बात करें जिनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है यानी प्रॉपर लंग्स के थ्रू, दीज आर टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। ऐश्वर्या बेटा थोड़ा सा सब्र रखो, हम उस पे आ रहे हैं, पहले स्टार्ट करना है ना, स्टार्टिंग का चीज पढ़े, ये छूट जाएगा तो फिर कहोगे कि ये वाला नहीं पढ़ा था, समझ रहे हो? बहुत चीजें ऐसे रह जाती हैं। टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन में आपके लंग्स का उपयोग होता है। तो बेसिकली अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स की बात हो रही तो क्या है उसमें? स्किन है, स्पिरेकल्स है, गिल्स है एंड लंग्स। दीज आर द फोर मेजर आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो कि डिफरेंट एनिमल्स में देखे जाते हैं। अभी कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि स्पिरेकल किसमें देखा जाता, तुरंत निकलेगा कॉकरोच। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ऐसा नहीं है कि बस आपको नाम याद कर लेना हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में। टू ऑर्गेनिज्म विच ब्रीथ ओनली थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, जो अपनी मॉइस्ट स्किन से आपके रेस्पिरेशन करते हैं या ब्रीदिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बताइए। ए आ रहा है फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म, यस, वेरी गुड। फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म बोथ रेस्पिरेट थ्रू देयर स्किन, टू देयर मॉइस्ट स्किन, ओके। चलिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देख लेते हैं, ये ध्यान रखना। टाइप्स कितने हैं? दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एयरोबिक एंड एनएरोबिक। क्या मेजर डिफरेंस है, चलो आप लोग बताओ, एयरोबिक और एनएरोबिक में क्या डिफरेंस है? ये तो आपको पता है, जल्दी से बताओ मुझे, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? यस, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एयरोबिक एंड एनएरोबिक? हाय गायत्री, कम ऑन एवरीवन। त्रिशा बोली ऑक्सीजन, क्या करें ऑक्सीजन का यार, मेजर डिफरेंस क्या है एरोबिक एनारोबिक में? ऑक्सीजन का डिफरेंस है, यस, वेरी गुड।
एयरोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत है, इज रिक्वायर्ड, लेकिन एनारोबिक में नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। बिना ऑक्सीजन के भी ये रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, क्लियर है। तो एयरोबिक तो हमारे अंदर हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन मेनली एयरोबिक ही होता है, लेकिन एनारोबिक में बहुत सारे प्रोसेस हैं। क्या एनारोबिक हमारे अंदर होता है? इज एनारोबिक प्रोसेस पॉसिबल इन ह्यूमन बींग्स? इज एनारोबिक प्रोसेस हैपनिंग इन ह्यूमन बींग्स? वेरी गुड ऐश्वर्या, इसके बारे में हम कल वैसे बात करेंगे। एरोबिक में 38 ATP लगभग यूज होते हैं, एनारोबिक में 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, सॉरी एरोबिक में एरोबिक में 38 प्रोड्यूस होते हैं, एनारोबिक में 2 प्रोड्यूस होते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। आज ही स्टार्ट हुआ बेटा चैप्टर, वेरी गुड। क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे अंदर होता है? जल्दी बताओ, इज एनारोबिक रेस्पिरेशन हैपनिंग विद इन अस? और अगर होता है तो इनमें से कौन सा वाला हो रहा है? ये देखो ए है, ये बी है और ये सी है, कौन सा वाला हो रहा है हमारे अंदर? त्रिशा कह रही मैम हमारे अंदर नहीं होता, प्रीति भी कह रही नहीं होता, नो कह रहे, आविष्कार कह रहे होता है मैम। हमारे अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, हमारे अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। ऐश्वर्या ने भी बोला यस, वेरी गुड। हमारे अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है कब? जब आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, ये हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं जस्ट दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमारा बॉडी जब है, जब फिजिकल एक्टिविटी करता है तो मसल का यूज ज्यादा करता है। सेल तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करती है, सेल को तो कुछ कहना ही नहीं, लेकिन जो मसल सेल होती हैं उनको उस समय ज्यादा वर्क करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं, बहुत तेज चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। उस समय मसल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ताकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी का प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी बहुत हाई नहीं होगी, 2 ही ATP प्रोड्यूस करता है एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन एक चीज जरूर था, उससे धीरे धीरे उसका एंड प्रोडक्ट हमारे मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है, दैट इज लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड डिपॉजिशन के बाद को थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि आप हाँफने लगते हैं, ठीक है, आपकी मसल थोड़ा सा कहती है भाई मुझसे अब नहीं होगा, वो अजीब सा आपके टायर्डनेस आने लगती है मसल में और आप रुक जाते हो, क्योंकि लैक्टिक एसिड इतना भर गया कि अब मसल आगे काम ही नहीं कर पा रहा है। तो एक अंतरकाल के बाद, एक समय के बाद आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन बंद हो जाता है, बट इट हैपेंस इन आवर बॉडी, ओके। इसके अलावा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, जैसे कि ईस्ट में देखते हैं, मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन होता है, और भी डिफरेंट तरह के हैं। बेसिकली हमें अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड पे ध्यान देना, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज केवल चाहिए रहता है, लेकिन एयरोबिक में ग्लूकोज भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, बिना दोनों के काम नहीं चलेगा। एनारोबिक में पूरा ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होता, पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं होता, इसलिए इसका एटीपी प्रोडक्शन केवल 2 ही होता है, बहुत थोड़ा सा एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो एनारोब्स होते हैं, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इतने एटीपी भी उनके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि उनकी बॉडी में 2 ATP भी सफिशियंट है काम करने के, ठीक। लेकिन वही अगर एयरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, कंप्लीट कंबशन है आपके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का, और बहुत हाई एटीपी प्रोड्यूस होती है, 36 to 38। क्यों ये रेंज लिया गया ये बताएंगे आपको, ये बताया जाएगा आपको नेक्स्ट क्लास में, देयर इज अ लिंक रिएक्शन बिटवीन एंड ऑल थिंग्स। इसके अलावा इसके प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड एनिमल में बनता है और ईस्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन वही ह्यूमन के अंदर या कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर CO2 और H2O ही निकलता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। यहाँ ये एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और एयरोबिक साइटोप्लाज्म के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में अपना एरोबिक पार्ट कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। स्टेजेस क्या है? ग्लाइकोलिसिस और फिर फर्मेंटेशन हो जाता है। यहाँ पहले ग्लाइकोलिसिस होता है जो कि कॉमन है दोनों में, उसके बाद लिंक रिएक्शन आता है, फिर क्रेब्स साइकिल कंप्लीट करता है, और क्रेब्स साइकिल से फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्लीट करता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, एक चीज हम एनिमल के अंदर पढ़ेंगे और कुछ चीजें हम प्लांट टिश्यू के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है।
चलो क्लियर है। तो ग्लाइकोलिसिस दोनों में कॉमन है। अगर क्वेश्चन आता है ठीक है, नेम अ स्टेज व्हिच इज कॉमन इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, यू विल मेंशन ग्लाइकोलिसिस। क्लियर है, ग्लाइकोलिसिस दोनों में ही कॉमन है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं, कहां से शुरू होता है? नाक से शुरू होता है, नेजल कैविटी से शुरू होता है, राइट। और कहां तक जाता है? आपके एल्वियोलाई तक। कहां तक जाता है? एल्वियोलाई। बहुत लोग कहेंगे मैम ब्लड स्ट्रीम तक जाता है, वहां तो एक्सचेंज हो जाता है, तो एल्वियोलाई का आपके वहां तक पहुंचता है, पूरा लंग्स के अंदर तक, ठीक है। तो पूरा कंडक्टिंग पार्ट देखते हैं, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट समझते हैं क्या क्या होता है। कैन यू नेम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? आप लोग ने बताया था बट बहुत वेगली, कोई लंग्स कह रहा है, कोई ब्रोंकियोल कह रहा है। तो डू यू नो द पाथवे ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? एनी आइडिया? कम ऑन एवरीवन, बेटा आरबीसी में सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, उसका काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन को कैरी करना, तो बाकी सेल उसको सपोर्ट करते हैं एटीपी प्रोवाइड करने में, ठीक है। खुद नहीं प्रोड्यूस कर पाता तो क्या हुआ? एक होता है ना, जब एक कोई सेटअप होता है, जैसे हमारे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं वहां पे हाई एकदम ऊंचे पोस्ट पे लोग रहते हैं, जैसे जज हुए या कोई भी हाई आईएएस ऑफिसर्स हुए, वो लोग होते हैं ना, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, उनके लिए हर चीज एकदम उनके ऑर्डर पे हो जाती। क्यों? क्योंकि व्हाट ही इज डूइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लीड दैट डिस्ट्रिक्ट, तो उसके लिए बाकी लोग मदद करने आते हैं। सेम चीज आरबीसी, आरबीसी सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा, ऑक्सीजन नहीं ले जाएगा कोई नहीं जिएगा, समझ रहे हो? तो उस समय बाकी सेल उसको हेल्प करते हैं। नॉस्ट्रल टू एल्वियोलाई, चलो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल आते हैं, ठीक है, जहां से आप उंगली घुसा के बैठ के पूरे दिन नाक खुरेदते रहते हो, वो एक्सटर्नल नेयर्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल कहते हैं इसको। फिर इसके पीछे आता है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर जो होता है आपका, इसमें आपका नेजल हेयर रहता है, म्यूकोसा सिक्रीशन होता है, ये सारी चीजें नेजल चैम्बर के अंदर होती है, ठीक है। नेजल चैम्बर में हेयर क्यों होता है बताओ? व्हाई देयर इज हेयर इन नेजल चैम्बर? चैम्बर जल्दी बताओ, जो बताएगा उसके लिए क्लैपिंग करूंगी, लिटरली क्लैपिंग करूंगी। फिर आता है इंटरनल नेयर्स, फैरिंग्स, नेजो फैरिंग्स के जस्ट ऊपर एक ओपनिंग खुलती है, जो कि नेजो फैरिंग्स में खुलेगी उसको हम इंटरनल नेयर्स कहते हैं, जो कि आपका डाउन की तरफ नेजो फैरिंग्स में ओपन हो जाएगा। फिर फैरिंग्स का अपर पार्ट जो नेजल की तरफ खुल रहा है उसको हम नेजो फैरिंग्स कहते हैं, एंड फाइनली इट लीड्स टू फैरिंग्स, ठीक है। यहीं पे आप कई बार जब नाक से या कुछ भी कर रहे हो, दवा डालते हो नाक में या किसी वजह से, ठीक है, तो कई बार आपके खान स्वाद उसका मुंह में भी आता है, क्योंकि फैरिंग्स में दोनों चीज कनेक्टेड है, या मुंह में पानी पी रहे हो सरक के नाक से निकल आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पीछे से ये कनेक्टेड है, ठीक है। वेरी गुड राखी, वेरी गुड, लो मैंने कहा ना मैं क्लैपिंग करूंगी, वेरी गुड। नेजल हेयर आपके इम्प्योरिटी को पकड़ने के लिए, डस्ट पार्टिकल को पकड़ने के लिए होता है, कहता भाई मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना तो जरूर करूंगा, ठीक है। तो एयर को आपके फिल्टर आउट करने के लिए और टेम्परेचर उनका मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर, इन दो कामों में आपका नेजल चैम्बर काम आता है, ठीक है, नेजल ट्रैक, नेजल पैसेज, ओके। फिर आए फेरिंग्स पे, फेरिंग्स से आगे बढ़ेगा किसमें? फेरिंग्स से आगे दो चीजें होती है, एक फूड पाइप, एक विंड पाइप। फूड पाइप हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, अब नेक्स्ट आएगी विंड पाइप, यानी कि हम चलने वाले हैं ट्रेकिया की तरफ। लेकिन ट्रेकिया में पहुंचने से पहले एक गार्ड साहब खड़े रहते हैं, कौन? ग्लॉटिस। कौन रहता है? ग्लॉटिस, और इसके ऊपर एक ढक्कन रहता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये ढक्कन कार्टिलेज से बना है, इट इज अ कार्टिलेज, जो कि जब भी हम खाना खा रहे हैं तो ये ढक्कन बंद हो जाता है, ताकि खाना आपका ग्लॉटिस के थ्रू ट्रेकिया में ना घुस जाए। इसलिए इसका काम इतना ही है कि जब हम खाना खा रहे हैं ग्लॉटिस को ढक दे उस समय, ठीक है, जब भी खाना है आपके फूड पाइप में होके जा रहा है। ग्लॉटिस से पहुंचेंगे हम लैरिंग्स में, जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स हमारा लैरिंग्स ही होता है, जहां से आवाज निकलती है, वाइब्रेशंस होते हैं, एंड हाई लो पिच सारी चीज आपका लैरिंग्स कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद पहुंचते हैं फाइनली ट्रेकिया। ट्रेकिया किस चीज से बना है, चलो बताओ जल्दी।
ट्रेकिया किस चीज से बना हुआ है? कम ऑन एवरीवन, ट्रेकिया किस चीज से बना है? जल्दी जल्दी जल्दी, देखिए सबको पता है ये बात, अब पता नहीं है तो बहुत गड़बड़ है भाई, ये तो बहुत पूछा गया क्वेश्चन। यस इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कैसी कार्टिलेज होती है इसकी? सी शेप्ड होती है, सी शेप, ठीक है, सी शेप कार्टिलेज से बना हुआ है ट्रेकिया। कितना लंबा है? लगभग 11 सेंटीमीटर। एक स्केल होती है ना छोटी वाली, उतना लंबा लगभग आपका ट्रेकिया होता है, ठीक है। 11 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। उतना लंबा हमारा ट्रेकिया होता है जो कि आगे जाके ब्रोंकियल ट्री में ओपन होता है और ब्रोंकियल ट्री रेस्पिरेटरी ट्री बनाता है, यानी कि बेसिकली ट्रेकिया ओपन होता है आपके लंग्स की तरफ बाय द मींस ऑफ ब्रोंकियल ट्री, जो कि फर्दर डिवाइड होती है और फाइनली एंड अप करती है इन एल्वियोलाई। क्लियर है? तो ऐसे आपका पूरा कंडक्टिंग पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, जल्दी बताइए, यहां तक समझ में आइए। नहीं बेटा, सी शेप्ड होता है, यू शेप्ड नहीं होता है कभी, मतलब सी शेप्ड ही होता है। जब आप जाओगे मेडिकल कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा ट्रेकिया, ठीक है, तो आपको पूरा ये मिलेगा देखने को कैसा होता है। इट इज लाइक दिस सी शेप कार्टिलेज। ओके, अब देखो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया भाई, क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पाथवे फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, चूज द करेक्ट पाथवे फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बताइए करेक्ट पाथवे क्या है। जल्दी बताइए, ए बी सी या डी? कम ऑन एवरीवन, डी कैसे हो रहा भाई, डी कैसे होगा ये तो बताओ मुझे, हाउ इज डी पॉसिबल? ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब एक बात बताओ, जो लोग डी बोल रहे हैं, पहले नॉस्ट्रिल से सीधे लंग्स में चला जाएगा, फिर लंग्स से मुड़के ट्रेकिया पे आएगा, और फिर उसके बाद क्या कर रहे हो तुम, ऐसे ऐसे कौन सा एयर पासवे होगा? सोचो, तुम ही खुद ही सोचो। अगर यहाँ नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के बाद आपका, ठीक है, जो भी है वॉट एवर इट इज, ठीक है, तो यहां से जाएगा आपका, फिर जाएगा लंग्स में, लंग्स से वापस आपका आएगा लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फिर फैरिंग्स में। कौन सा पाथवे है? इस पाथवे से जाएंगे बेटा तो सांस ले चुके, अंदर ही उलझ जाएंगी सांसें। चलो, वेरियस पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पहले हम देखने वाले हैं एक्सटर्नल नेयर्स, इसको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स सबके पास होती है लगभग। पेयर ऑफ स्लिट्स आर एट लोअर एंड ऑफ नोज व्हिच ओपन्स अ नेजल चैम्बर थ्रू नेसल पैसेज, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल नेयर्स होती है जिसको ऑक्सीजन को आपके रास्ता दिया जाता है ताकि वो एंटर कर पाए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। वेरी गुड जिनेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं हटू सामने से दिख नहीं रहा है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर आएगा नेसल चैम्बर, पेयर ऑफ पैसेज लोकेटेड एट द बैक ऑफ नॉस्ट्रिल जस्ट अबव द माउथ कैविटी। तो आपका देखो ये एक्सटर्नल नेयर्स है, ठीक है, जो होल होते हैं, उसके बाद ये जो आपका चेंबर होता है इसको हम क्या कहते हैं, नेसल चेंबर, नेसल कैविटी कहते हैं, जहां से एयर अंदर पास होती है, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है इंटरनल लेयर्स, पोस्टीरियर ओपनिंग जो होगी नेसल चैम्बर की, जो कि नेसोफेरिंग्स पे एंड होगी, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल लेयर्स। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल लेयर्स। देखो, पोस्टीरियरली जो ओपनिंग आपके फेरिंग्स के अपर पार्ट में ओपन हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल लेयर्स, ठीक है, इंटरनल लेयर्स होता है। फिर आपका ये वाला पार्ट होता है जिसको हम नेसोफेरिंग्स कहते हैं, क्या कहते हैं, नेसोफेरिंग्स, ठीक है, नेसोफेरिंग्स कहते हैं, जो कि फाइनली आपके कॉमन ओपनिंग बनता है, एंड दिस इज फैरिंग्स, दिस इज फैरिंग्स। क्लियर है?
तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। नेसोफेरिंग्स की बात कर ली हमने, उसके बाद आपका ये नेसोफेरिंग्स अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स होता है जो कि ओपन होगा ग्लॉटिस में ऑफ लैरिंग्स इनटू ट्रेकिया। ठीक है, नेसोफेरिंग्स फेरिंग्स से आपके होते हुए लैरिंग्स तक पहुंचेगा और बीच में क्या पड़ेगा आपके, बीच में पड़ेगी ग्लॉटिस, बीच में पड़ेगी ग्लॉटिस जिसके ऊपर एपिग्लॉटिस की ढक्कन रहती है जो हमेशा खुली रहती है। सिर्फ तभी बंद होती है जब फूड आपका फूड पाइप में घुस रहा होगा। ठीक है, ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, इसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, जिस प्रिवेंट्स द फूड एंट्री इनटू द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं, जो कि फेरिंग्स के बाद होती है। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है। बहुत बच्चे फेरिंग्स के पहले ही लैरिंग्स लगा देते, नहीं, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है और लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ पे वोकल कॉर्ड होते हैं आपके। ठीक है, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब हम आएंगे ट्रेकिया पे। ट्रेकिया कैसा होता है, थिन वॉल ट्यूब है, लगभग 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है, रेंज होता है इसका 12 से 15 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर, डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म, लंबा गर्दन है छोटा गर्दन है डिपेंड करता है। ठीक, इट एक्सटेंड्स अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, पासेस द एयर टू एल्वियोलाई। अब ट्रेकिया नीचे आ रहा है, देखो ये सी शेप कार्टिलेज है, ये सारे ट्रेकिया है, ये सब ट्रेकिया का पार्ट है। ये ट्रेकिया आया मिड थोरैक्स तक आपके आके रुक जाता है और फिर डिवाइड करेगा टू ब्रोंकाइज में। किसमें डिवाइड करेगा, टू ब्रोंकाइज में। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ, इज इट क्लियर। चलो फिर आएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई। जब आपका ट्रेकिया टर्मिनेट करता है वो क्या बनाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है, जो दो के पार्ट में डिवाइड होती है, दो ट्यूब के फॉर्म में डिवाइड होगी। किस लेवल पे, क्वेश्चन यहां से आएगा। अब मैं जब जब बता रही क्वेश्चन कहां से आएगा, ठीक है, तो ध्यान से सुनो क्योंकि क्वेश्चन छूट गया तो बहुत दिक्कत होगी। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, उसके फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे आपका ये पहला डिवीजन ट्रेकिया का होता है, जो कि दो ट्यूब बनाता है जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं, जो राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई फॉर्मेशन करता है। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, ओके, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा हर ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करेगा और सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई और डिवाइड करेगा, टर्शरी ब्रोंकाई बनेगा। ठीक है, फिर फाइनली वो ब्रोंकियोल्स फॉर्मेशन करेगा फर्दर डिवाइड करके, और ब्रोंकियोल्स के एंड पे होती हैं एल्वियोलाई। क्या होती हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कैसी होती हैं, इररेगुलर शेप सैक्स होते हैं। क्या होते हैं, इररेगुलर शेप सैक्स होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो होगा वो अपने एंड में जाके थिन इररेगुलर वॉल्ड वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर देता है जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। ये वन सेल थिक होती है, ओनली वन सेल थिक इट इज, इतनी पतली होती है आपकी एल्वियोलाई, ओनली वन सेल थिक इट इज, ओके, क्लियर है। जितनी पतली आपकी कैपिलरीज है उतनी ही पतली आपकी एल्वियोलाई भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टिल नाउ, यस, हमें समझ में आ गया है। एक्सटर्नल लेयर्स, नेजल चैम्बर, इंटरनल लेयर्स, उसके बाद आपका नेसोफेरिंक्स, फेरिंग्स, ग्लॉटिस, आपका लैरिंग्स, फिर वी हैव ट्रैकिया, देन उसके बाद ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एंड फाइनली इट ओपन्स इनटू एल्वियोलाई। ठीक है, क्वेश्चन 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 आया, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटायरली मेड अप ऑफ कार्टिलेज, इनमें से कौन सी चीज एंटायरली कार्टिलेज से बनी हुई है, पूरी की पूरी कार्टिलेज की बनी है। कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बताइए, कम ऑन एवरीवन, चलिए, इट इज
डी, इट इज डी ट्रेकिया, इट इज डी ट्रेकिया, यही प्योरली कार्टिलेज से बना होता। जो लोग सी बोल रहे हैं बेटा, ग्लॉटिस नहीं कार्टिलेज से बना होता है, एपिग्लॉटिस आपका कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। अगर एपिग्लॉटिस भी होता तो इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज इटसेल्फ। ओके क्लियर है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे लंग्स। लंग्स बन कैसे रहा, यही हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, फेफड़ा यही हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकियोल्स हैं और एल्वियोलाई हैं जो कि लंग्स को बना रहे हैं। इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से बेसिकली जहां से ट्रेकिया डिवाइड किया वहां से आपका जो डिवीजन होगा वो पूरे लंग्स को कंप्राइज करेगा, उसी से लंग का फॉर्मेशन होगा। लंग होता कैसा है, इट इज डबल लेयर्ड, इट इज डबल लेयर्ड, और लेयर का नाम क्या है, प्लूरा। क्वेश्चन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लंग की लेयर का नाम क्या है, प्लूरा, जो कि डबल लेयर्ड होगा, यानी कि उन डबल लेयर के बीच में गैप होगा जहां पे भरा होगा प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। क्या भरा होगा, प्लूरल फ्लूइड, और ये प्लूरल फ्लूइड आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर में बहुत सारी चीजें आपकी परफॉर्म करता है, ठीक है, क्लियर है। आउटर मेम्ब्रेन को हम पेराइटल प्लूरा कहते हैं और इनर मेम्ब्रेन को विसरल प्लूरा कहते हैं, ठीक है। जो विसरल ऑर्गन है यानी कि आपके इंटीरियर साइड किसी भी चीज की कवरिंग होती है उसको विसरल लेयर कहते हैं, जो आउटर लेयर होती है उसको हम पेराइटल लेयर कहते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो लंग की कवरिंग को हम प्लूरा कहते हैं, जो कि दो लेयर होती है, पेराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा, और उनके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, ठीक। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद थोरैसिक लाइनिंग, वेयर इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद लंग सरफेस, ठीक है, ठीक है। तो बाहर वाली जो लाइनिंग है ये तो बाहर वाले अदर ऑर्गन से रिलेशन में है, और अंदर वाली लाइनिंग आपके एल्वियोलाई की तरफ है, लंग के सरफेस की तरफ है, ठीक है। इन ह्यूमन राइट लंग जो होता है, हमारे पास दो लंग है ये तो सबको पता ना, दो फेफड़े राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो राइट जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है, उसमें तीन लोब होते हैं, कैसा होता है, उसमें तीन लोब होते हैं, और लेफ्ट लंग जो होता है वो दो ही लोब से बना है, वो दो ही लोब से बना है, क्लियर है। राइट लंग में तीन लोब्स हैं, लेफ्ट लंग में दो लोब्स हैं। राइट लंग के लोब्स का नाम है एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर लोब, और लेफ्ट लंग में एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब ही होते हैं। अभी कोई भी पूछेगा आपको, जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे बहुत सारी डिजीजेस आपको पढ़नी होंगी लंग्स के अंदर, तो उसमें लोब्स के अकॉर्डिंग भी डिजीजेस डिवाइडेड है, इसलिए आपको लोब्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और राइट में तीन लोब है, लेफ्ट में दो ही लोब है, राइट लंग आपका हैवियर है, थोड़ा बड़ा है कंपेयर टू लेफ्ट लंग विच इज लिटिल स्मॉलर और लाइटर, यू कैन सी, ओके ठीक है। हाय तमन्ना, इज इट क्लियर, यस, चलो क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आया भाई, मैम क्या क्वेश्चन है। लंग्स आर इनक्लोज इन अ कवरिंग कॉल्ड, लंग्स आर इनक्लोज इन अ कवरिंग कॉल्ड, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है समझने के लिए भी और रियलाइज करने के लिए खुद के अंदर भी, ठीक। Come on everyone, it is called pleural membrane. Very good, Shobhrat, Rakhi, Aishwarya, Avishkar, Vinita, Harsh, Chandan. Very good, Trisha. Good, 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 good. Very good. चलो अब respiratory exchange देखते हैं। Alveoli आपका terminal ending होता है, यहाँ पे आपका respiratory tract खत्म होता है, ठीक है, यानी कि oxygen यहाँ तक पहुँचा, रेस्पिरेटरी ट्रैक से आपके ऑक्सीजन अंदर गया, फिल्टर आउट हुआ जगह जगह पे और आपके एल्वियोलाई तक पहुंचेगा, ठीक है। इट इज द साइड ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, भाई अब तो एल्वियोलाई को किसी तरह से ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन भेजना है ताकि वो सेल तक पहुंच पाए, तो क्या होगा इनके बीच में, ब्लड कैपिलरीज आपके एल्वियोलाई के इर्द गिर्द बहुत सारी प्रेजेंट रहती है, यानी कि एल्वियोलाई हैज वेरी रिच ब्लड सप्लाई,
ठीक है, किसके माध्यम से, कैपिलरीज के माध्यम से, इसके माध्यम से बच्चों, कैपिलरीज के माध्यम से, कैपिलरीज भी वन सेल थिक है, एल्वियोलाई भी वन सेल थिक है, ठीक है, तो इनमें डिफ्यूजन इजी है, इनमें डिफ्यूजन इजी है, तो कैपिलरीज और आपके एल्वियोलाई के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा डिफ्यूजन के माध्यम से। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा, एल्वियोलाई ऑक्सीजन से परिपूर्ण है, वो आपके ब्लड को, कैपिलरीज को ऑक्सीजन दे देगा, और कैपिलरीज आपकी CO2 लेके आई होंगी सेल से, वो उठा के अपना CO2 किसको दे देगी, एल्वियोलाई को दे देगी कि तुम भैया बाहर छोड़ा इसको, ठीक है। तो यहां पे इनमें एक्सचेंज होता है। ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेस द लंग्स व्हिच प्रोवाइड द सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वियोलाई इतनी सारी क्यों होती है, इतनी हाई क्वांटिटी में क्यों एल्वियोलाई प्रेजेंट है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, ताकि इजीली डिफ्यूजन हो पाए, ताकि इजी डिफ्यूजन हो पाए, क्लियर है। जितने ज्यादा एल्वियोलाई की उतना ज्यादा सरफेस एरिया, क्योंकि वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो सरफेस एरिया इनका बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, हाई नंबर ऑफ एल्वियोलाई इज प्रेजेंट इन अ लंग इज मेंट फॉर, क्यों चाहिए हाई नंबर ऑफ एल्वियोलाई, क्यों चाहिए हाई नंबर ऑफ एल्वियोलाई, कम ऑन एवरीवन, एक लाइन याद आ रही है मुझे, पता है, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो बेटी मौका है, अरे सब लोग ये दे रहे हो, सोच लो पहले, ऑप्शन सारे पढ़ लो, मैं बार बार कह रही हूं, पिटाई पड़ेगी, सबकी पिटाई पड़ेगी। अगर वॉल्यूम आपको अपने, जब आप सांस लेते हो अंदर, ठीक है, जब सांस अंदर जाती है तो आपका सडनली थोरासिक कैविटी में स्पेस बढ़ जाता है, ताकि ज्यादा एयर का वॉल्यूम अंदर आ पाए, क्या वो एल्वियोलाई की वजह से हो रहा है, बिल्कुल नहीं, दैट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज एल्वियोलाई। उस समय आपके डायफ्राम और आपके इंटरकोस्टल मसल्स, आपके रिब्स की वजह से वो आपका एरिया बढ़ता है, तो वॉल्यूम कभी इसकी वजह से नहीं बढ़ता है, एरिया हमेशा बढ़ेगा, वॉल्यूम और एरिया में अंतर है, मैथ्स भूल गए, वॉल्यूम और एरिया में अंतर है, नंबर ऑफ एल्वियोलाई ज्यादा क्यों, ताकि डिफ्यूजन के लिए एरिया ज्यादा, ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ एल्वियोलाई ज्यादा नहीं किया गया कि एयर ज्यादा पहुंच जाए उसके पास, नहीं, इट इज फॉर डिफ्यूजन, फॉर एक्सचेंज, फॉर मोर सरफेस एरिया, फॉर एक्सचेंज, क्लियर है, इट विल बी बी ऑप्शन। वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे तरीके, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में, वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग से आपके पहले एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है वो अंदर जाता है, और CO2 आपका जो रिच एयर होता है एल्वियोलाई में, वो बाहर चला जाता है। पहले क्या होता है, डिफ्यूजन होता है गैसेस का, किसके बीच में, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के बीच, ठीक है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के बीच में आपके डिफ्यूजन होगा, ठीक है, कि CO2 उधर चला जाए, CO2 इसमें आ जाएगा एल्वियोलाई में, O2 चला जाएगा ब्लड में। अब ये गैस जो ब्लड में पहुंची होगी, ये लोडेड होगी ऑक्सीजन से, किसमें, आपके आर्टरीज में, ये लोडेड आर्टरीज आपके ब्लड के थ्रू, ठीक है, आपका सारा ऑक्सीजन कहां तक पहुंचाएंगे, आपके टिश्यूज तक, यानी सेल तक, ठीक है, टिश्यूज तक, सेल तक, वहां पे फिर एक्सचेंज होगा, किसके बीच में, ऑक्सीजन एंड CO2, वहां पे टिश्यू जो होगा ऑक्सीजन ले लेगा और CO2 उन्हें ब्लड में डाल देगा, ठीक है। अब ये CO2 जो गया सेल के अंदर, उससे होगा कैटाबॉलिक रिएक्शन, यानी एयरोबिक रेस्पिरेशन, और फाइनली उससे CO2 रिलीज होगा, जो वापस से आपके कैपिलरीज में, ब्लड में पहुंचेगा, जो वापस वेन लेके कहां पहुंच जाएगा, एल्वियोलाई तक, ताकि ये वापस से एक्सचेंज कर पाए बिटवीन दी गैसेस, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो, ब्रीदिंग एन एक्स्ट्रा सेलुलर एनर्जी कंज्यूमिंग फिजिकल प्रोसेस, कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर हो रहा है, ब्रीद करने में एनर्जी चाहिए, अगर ATP नहीं है तो ब्रीदिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब सांस खींच रहे हो तो तुम डेलिबरेटली वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एनर्जी का कंजम्पशन कर रहे हो, ताकि आपका सांस अंदर आ पाए,
क्योंकि मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हो कि भाई काम करो और ब्रीदिंग कर पाओ, इंस्पिरेशन कर पाओ. तो मूवमेंट ऑफ थॉरेक्स होता है, इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ऑफ लंग्स होता है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग. फ्लो ऑफ एयर इन एंड फ्रॉम द लंग्स बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमोस्फियर. कैसे आपका एयर अंदर या बाहर जा रहा है, आपके प्रेशर ग्रेडियंट के कारण. अंदर प्रेशर कम होगा तो अंदर एयर आ जाएगी, अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो एयर बाहर चली जाएगी. यही तरीका है ब्रीदिंग करने का, यही एकमात्र सरल सा तरीका है. ठीक है, चल बेटा हम कोई भी सेशन लेना, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ेंगे और जो नहीं पढ़ना चाहते वो ऐसे ही प्यार मोहब्बत करेंगे. तो बात इतनी सी है कि पढ़ेंगे मन से तो पढ़ लोगे, चाहे जैसा सेशन है. ठीक है, और नहीं पढ़ना चाहोगे तो भाई कुछ भी कर ले. ठीक है, कुछ भी कर ले, नहीं हो पाएगा. डायफ्राम और स्पेशलाइज मसल होते हैं आपके इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल भी दो तरह के होते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. ये मदद करते हैं ब्रीदिंग में. ब्रीदिंग में दो स्टेप होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन मतलब हवा अंदर लेना, एक्सपिरेशन होता है हवा बाहर छोड़ देना. ठीक है, सांस से, कहीं और से मत छोड़ देना. ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी, वातावरण प्रदूषित हो जाएगा ज्यादा. ठीक है, चलो इंस्पिरेशन कैसा है. इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है. ठीक है, इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है जो कि लगभग 2 सेकंड का रहता है. यानी इंस्पिरेशन में एनर्जी की आवश्यकता है या नहीं है, एनर्जी यूज हो रही है. एनर्जी यूज हो रही है कि नहीं हो रही है. ठीक है, एनर्जी यूज हो रही है. मैम लंग्स डायफ्राम पे लेट करता है, रेट करता है, क्या लिखे हो बेटा तमन्ना, नहीं समझ में आया. चलो तो इंस्पिरेशन क्या है, एक्टिव प्रोसेस है. एक्टिव प्रोसेस में क्या होगा, हमेशा एनर्जी यूज होगी और सिर्फ 2 सेकंड के लिए होता है इंस्पिरेशन. आप वो इनवॉलेंट्री भी रिस्पायर कर रहे हो, ब्रीदिंग करते रहते हो. ऐसा नहीं आपको सोचना पड़ेगा कि आप सांस लें कि नहीं लें, सांस चलती रहती है क्योंकि वो इनवॉलेंट्री आपका प्रोसेस चल रहा है, वो जरूरी है. ठीक, इस समय क्या होता है इंस्पिरेशन के टाइम का भी ध्यान दो, सांस लो, आपको रियलाइज होगा जब आप सांस लेते हो तो सडनली आपका सीना चौड़ा हो जाता है. क्यों चौड़ा होता है, क्योंकि बहुत सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में जाती है. कॉन्ट्रैक्शन करके वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करते हैं आपके थोरैसिक कैविटी. कैसे क्या हो रहा है, चलो बात करते हैं. पहले होगा डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन. जो डायफ्राम है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में, वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है. क्या होता है, नॉर्मली डायफ्राम ऐसा रहता है, ठीक है, आर्च शेप्ड. जब आपका इंस्पिरेशन करते हैं तो इस पे आपके आपके कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये बन जाता है स्ट्रेट, फ्लैट हो जाता है. ठीक है, नॉर्मली ये आर शेप होता है लेकिन जब आपके इंस्पिरेशन करना होता है कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये फ्लैट हो जाता है. तो सोचो ये जो एरिया था जहाँ पे पहले आर शेप था, ये एरिया भी आपका अब मिल गया फ्लैट होने के बाद. यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गई कि नहीं, जैसे ये फ्लैट होगा इस एरिया की वॉल्यूम बढ़ेगी, राइट, वॉल्यूम बढ़ गई, एरिया बढ़ गया. ठीक है, उसके अलावा और क्या होता है आपका, उसके अलावा स्टर्नम जो होता है, ठीक है, आपके रिब केज का जो सेंटर है वो भी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, वेंट्रली और एंटीरियर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, वो भी थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा. इसके अलावा जो आपका पूरा रिब केज होगा वो भी आउटसाइड की तरफ आपके एक्सपैंड करेगा, जिससे पूरी थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी. अब एक बात बताओ, फिजिक्स में पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, वॉल्यूम और प्रेशर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली, बताओ. वॉल्यूम और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली, 1 या 2, जल्दी बताओ विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, 1 और 2, जल्दी बताओ. वॉल्यूम, और देखो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री भी यहां ला दिया है, अब आपको बताना आपकी तैयारी कैसी चल रही है. दिशा कह रही है मैम 1, तमन्ना कह रही है 1, राखी 2 कह रही है, उत्कर्ष 2 कह रहे हैं, त्रिशा 1 कह रही है. तो बेटा हमेशा
प्रेशर और वॉल्यूम एंटी है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, तो ये उल्टा एक दूसरे के काम करते हैं। ठीक है, ये उल्टा एक दूसरे के काम करते हैं। एक फॉर्मूला है, अभी आपको याद कराती हूँ, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़वा दो आप। PV is equals to nRT, याद है कि नहीं? ये फॉर्मूला याद है? अगर ये सारा चीज कांस्टेंट हो जाए, अगर ये सब कांस्टेंट हो जाए तो P क्या होगा, आपके इधर आया तो विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसको कांस्टेंट करने के लिए करना ही पड़ेगा, तो हमेशा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर है? तो जब भी आपका वॉल्यूम बढ़ा, यहां पे क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ा है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेफिनेटली प्रेशर कम होगा। क्या होगा? प्रेशर कम होगा, प्रेशर तो कम होना ही अब। ठीक है, हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन मैंने बताई है, बिल्कुल सही बात है निधि, निधि ने विनीता। ठीक है, अब प्रेशर जो है अंदर की तरफ आपके लंग्स की तरफ कम हो गया, प्रेशर कम हुआ तो अंदर का प्रेशर कम और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा हो गया। अब तो ये बड़ा दिक्कत है। अब प्रेशर क्या होगा, अपने आप को हमेशा, ठीक है, हमेशा हाई से लो ले जाएगा। तो बाहर अगर प्रेशर हाई है तो हमेशा एयर अंदर की तरफ जाएगी ताकि प्रेशर को अंदर भी नॉर्मलाइज कर दे। क्लियर है? अंदर प्रेशर नॉर्मलाइज कर दे, जैसे लंग एक्सपैंड किया प्रेशर आपका डिक्रीज हुआ, अब एयर रश करेगी बाहर से और प्रेशर लो प्रेशर के कारण पूरी एयर अंदर भर जाएगी। Hence your inspiration is completed. Hence your inspiration is completed. ठीक है? ठीक है, यहां तक बताओ, क्लियर है यहां तक? इंस्पिरेशन कैसे हुआ जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना। इज इट क्लियर? जल्दी बताइए। कम ऑन एवरीवन। चलो ओके ओके ओके। क्लास रोज 11:30 होता है, ठीक है, जो लोग को अभी भी नहीं पता 11:30 रोज क्लास होती है। ठीक है, अब बात करेंगे एक्सपिरेशन की। अब सांस छोड़नी भी तो है, एक्सचेंज हो गया आपके एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में। अब भाई पूरा जो एल्वियोलाई में एयर है वो CO2 लेके बैठा हुआ है, अब भरी हुई है एयर अंदर। ठीक है, तो पहले तो ये जान लो एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन से ऑपोजिट है, ये पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी की यूसेज नहीं है। ये क्योंकि यहाँ पे सारी चीज नॉर्मल हो रही है इसलिए अपने आप हो जाती है। ठीक है, अपने आप हो जाती है और ये 3 सेकेंड के लगभग लाती है, तो यानी एक ब्रीदिंग आपकी 5 सेकेंड के अंदर होती है। ठीक है, 2 सेकेंड का इंस्पिरेशन और 3 सेकेंड का एक्सपायरेशन। अब एक्सपायरेशन के समय जितने भी आपके मसल्स थे जो कॉन्ट्रैक्शन में गए थे, जिनमें चेंजेस आए थे, वो सारे नॉर्मलाइज हो जाएंगे। क्या होंगे? नॉर्मलाइज होंगे। तो आपका डायफ्राम जो आर शेप बना, स्ट्रेट बना था, वापस से आर शेप हो जाएगा। ठीक है, डायफ्राम वापस से आर शेप बन जाएगा। एक इंटरकोस्टल मसल जो थे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वो भी रिलैक्स कर जाएंगे। ठीक है, रिलैक्स कर जाएंगे। इसके कारण क्या होगा, आपके रिब्स भी अपनी जगह वापस अंदर आ जाएंगे, स्टर्नम भी अंदर आ जाएगा, डायफ्राम भी आर शेप बन जाएगा। पूरे से क्या हो रहा है, आपके वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? पूरे से वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इज डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो अब क्या होगा, प्रेशर विल इंक्रीज। तब जब प्रेशर हाई है तो आपका जो एयर अंदर लंग्स में था वो रश करके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, जहां पे प्रेशर लो है कंपैरेटिवली, जहां पे प्रेशर लो है कंपैरेटिवली, और ऐसे होता है एक्सपायरेशन। ठीक है, बाहर का टेम्परेचर 760 होता है, ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एयर प्रेशर है, ये एटमॉस्फेयर का नॉर्मल प्रेशर है। जब आपकी इंस्पायरेशन होती है तो प्रेशर गिर के 757 हो जाता है, यानी कि कम, और जब एक्सपायरेशन होता है तो 763 होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा, और इससे एयर बाहर की तरफ चली जाती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग जो हम करते हैं, जो इनवॉलंटरी चल रही है हमारे अंदर, जो हम और आप अभी कर रहे हैं नॉर्मली,
उसको हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, क्योंकि आप एब्डोमन में सारे स्ट्रक्चर आपके इन्वॉल्व है, दैट इज योर एब्डोमन ब्रीदिंग, उसी में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन कई बार जब मैं आपको पढ़ाती हूँ, कहती हूँ बेटा एक बार सांस लेके देखो, तो आप क्या कहते हैं, जरूरत से ज्यादा सांस खींच लेते हैं और जरूरत से ज्यादा सांस को बाहर छोड़ देते हैं, जिसमें आपके एक्स्ट्रा मसल इन्वॉल्व होते हैं ताकि आपके एरिया वॉल्यूम को ज्यादा बढ़ा दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर ले जा सके, ठीक है। उस समय जो आप खुद से जानबूझ के ज्यादा खींच के ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग, जिसमें एडिशनल मसल एक्टिवेट होते हैं, एडिशनल स्ट्रेंथ चाहिए, एडिशनल वॉल्यूम चाहिए, जिससे आपके ज्यादा एयर आप खींच पाए, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्सफुल ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग। ओके, क्लियर, जल्दी बताओ। आज आई थिंक हाँ यहाँ पे हम खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 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 करना है, चलो क्वेश्चन करेंगे अब। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन मसल ऑफ डायफ्राम क्या करते हैं, डायफ्राम के मसल क्या करते हैं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब आप एयर बाहर छोड़ते हो तो मसल आपके डायफ्राम के क्या कर रहे होंगे। Come on everyone, विनीता ने सही दिया जवाब, दिशा, त्रिशा, वाह, कामिनी, अविष्कार, सिराज, वेरी गुड, वेरी गुड, इट विल बी रिलैक्स, आपका आर्च शेप वापस से बन जाता है, कॉन्ट्रैक्शन में स्ट्रेट हो जाता है, हमेशा याद रखना, जब आपका डायफ्राम रिलैक्स पोजीशन में है, यानी एक्सपायरेशन कर रहा है, तो वो आर्च शेप होगा, और जब आपका ये वापस से फ्लैट हो जाता है आपका डायफ्राम, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और इस समय इंस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा ना सबको। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, जल्दी बताओ, ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ही ईजी है, अब मैं ऐसे हो जाती हूँ, आप लोग ऑप्शन देख लो जल्दी से, ठीक है, फिर कहोगे मैम आपकी मुंडी आ रही है बीच में, जल्दी बताइए। We have Disha giving right answer, Mohit, then Megha, Vinita, Kamini, Trisha, Vishkar, yes, very good, Tamanna, very good, it is B, inspiration is an active process whereas expiration is a passive process, यहाँ पे energy का usage है, ATP use हो रहा है, यहाँ पे सब चीज नॉर्मलाइज हो रहा है, तो कोई एटीपी का यूज नहीं होगा, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे एटीपी का यूज नहीं होगा, क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, इज इट क्लियर। चलो ओके ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी, कल हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे कि एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, पूरा कल हम करने वाले हैं, ठीक है, तो कल भी 11:30 मिलेंगे, कल और परसों, परसों इसका लास्ट सेशन रहेगा, परसों ये चैप्टर खत्म कर देंगे, तीन सेशन है केवल, ठीक है, डोंट मिस द सेशन, एक बार पढ़ लोगे ढंग से बेटा, ये सब चैप्टर आपको बहुत फास्ट रिविजन से तैयार हो जाएंगे, अपना नंबर आप पक्का कर ले रहे हो, समझ रहे हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छा वेटेज रखता है, ठीक है। ओके मेघा, मैंने रेस्पिरेशन का बस टाइप ऊपर से बताया बच्चा, सिर्फ कि एरोबिक और एनारोबिक, अंदर पूरा कल बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है, ठीक है, तो कल 11:30 कोई भी मिस नहीं करेगा सेशन, 11:30 AM, और आज 3 बजे 3 PM पे मैं स्पेशल क्लास ले रही हूँ,
जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल्स में। एक ही सेशन में पूरे क्वेश्चन कराऊंगी, 3 PM स्पेशल होगा, और मेरा लिंक यहाँ पे पिंड है, ठीक है। लिंक पे आप, आज पिंड नहीं है क्या लिंक मेरा? वाओ, आज ही नहीं पिंड है, वाह, कोई नहीं। मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रोफाइल उठाएगा वहां पे पहुंचेगा और एनरोल कर लीजिएगा सेशन में। बाकी टेलीग्राम पे भी आप मुझे मिलिए, टेलीग्राम पे भी मैं सेशन का लिंक डाल दूंगी, वहां से आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। चलो, इसके अलावा बच्चों ये बहुत ही प्यारी चीज है जिसके बारे में बताना चाहती हूँ, लर्निंग फेस्टिवल के बारे में। आप लोगों ने अब तक बहुत बार सुन लिया होगा, लेकिन लिटरली मैं इतना प्रमोट नहीं किसी चीज को, इतना नहीं कहती किसी को जबरदस्ती लगाओ, लेकिन दिस सब्सक्रिप्शन इज ओनली फॉर 299। लेकिन अब इस पे भी आप जब साक्षी 100 कोड लगाते हो, विच इज माई कोड, ठीक है, मैम को सपोर्ट करने के लिए कोड है, मैम आपको सपोर्ट डेफिनेटली करेंगी, इस पे आपको अब 20% ऑफ मिल रहा है, यस। तो आपको लगभग 240 rupees में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और 45 days का आपको प्लस एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो प्लस समझ रहे हो, दैट्स अ सीरियस प्लेटफॉर्म। अगर आप सीरियसली अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे 22 एस्पायरेंट हो, चाहे 23 हो, चाहे 24 एस्पायरेंट हो, अगर आपको टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है सिर्फ 240 rupees में, ठीक है, डाउट सॉल्विंग मिल रही है, बोर्ड की तैयारी मिल रही है, काउंसलिंग मिल रही है आपको, अगर ये सारी चीज इतने से रुपए में मिल रही है तो क्यों नहीं ले रहे हो बेटा? दिस इज द बेस्ट वी कैन डू फॉर यू। इतने कम में कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं देगा, प्लस प्लेटफॉर्म तो कोई एक्सपीरियंस नहीं करा सकता आपको जिस लेवल की वहां पढ़ाई होती है, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन जरूर बुक कर ले। ये फेस्टिवल बहुत जल्द खत्म होने वाला है, यानी कि केवल 30 अप्रैल तक ये फेस्टिवल है, उसके बाद ये नहीं आपको मिलेगा, बाद में आपके पास मौका चला जाएगा। और इस 45 days में बहुत सारा क्रैश कोर्स आ रहा है, अनलिमिटेड क्रैश कोर्स आ रहा है, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। किसी भी एजुकेटर को आप देख सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बस आपको अपना कोड याद रखना है, दैट इज साक्षी 100, जिससे मैम की पर्सनल गाइडेंस में आप पढ़ने वाले हैं और आप बहुत ही बढ़िया तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो प्लस के अंदर लाइव क्लासेस हैं, वीकली टेस्ट हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड कंटेंट, टीचर्स सारे हैं, आपको नोट्स भी यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग मिलता है, आस्क अ डाउट फीचर मिलता है, उसके अलावा PDFs मिलते हैं, PYQs मिलते हैं, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, दीज ऑल इज इन द प्लस। तो समझो प्लस कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा आइकॉनिक है, जहाँ पे आपको प्लस के साथ साथ एक पर्सनल मेंटोर मिलता है, जो कि आपको पर्सनली गाइड करेगा कि कैसे अपनी पढ़ाई को बेस्ट बनाना है, कैसे टेस्ट एनालिसिस करना है, ये सारी चीजें आप कैसे करेंगे, उसमें आपको रोड मैप बनाता है। साथ साथ आपको हार्ड कॉपी मिलती है स्टडी मटेरियल की, एंड बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपकी बात होगी इस मेंटोर से, ताकि आपका जो तैयारी है वो बिल्कुल बेहतर बन पाए, नेक्स्ट लेवल बन पाए, ठीक है। तो बेटा अभी अपना सब्सक्रिप्शन बुक करिए, साक्षी 100 कोड लगाओ एंड बुक योर सब्सक्रिप्शन नाउ। इसमें तो आपको किसी से परमिशन नहीं लेना है, देखो तो 240 rupees सब बच्चों के पास होंगे, ठीक है। तो प्लीज टेस्ट द प्लस प्लेटफॉर्म, एक बार समझो कि क्या है वहां पे, क्या एक्स्ट्रा सब मिल रहा है कि प्लेटफॉर्म अलग बनाया गया, ठीक है। चलो, मेरी क्लास डेली 11:30 AM होती है, क्लियर है, ऑन यूट्यूब, एंड 3 PM ऑन स्पेशल, 3 PM ऑन स्पेशल एंड ये यूट्यूब पे होती है, ठीक है। चलो, सो थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देंगे नोटिफिकेशन के लिए। लाइक एंड शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए भी और आपके लिए। आपको थोड़ा भी मैम का सेशन अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर द सेशन एंड टेक द सब्सक्रिप्शन विद साक्षी 100, ओके। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, ओके। सो मिलते हैं 3 बजे अब इन स्पेशल क्लास, टिल देन के लिए लेट्स क्रैक इट, ओके। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।